के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को आप अक्सर कहते सुनते होंगे कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक तरीके से नामांकन पत्र के अंदर इस बात की जानकारी दी है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव नगीना के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र के अंदर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? तो आज आपको हम यही जानकारी बता रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे मुकदमे हैं और कई सारे मुकदमे उन्होंने अलग अलग जगहों पर है, यानी राजस्थान, जो एक तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग राज्यों के अंदर भी उनके ऊपर मुकदमे हैं वो नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज के नए युवा उभरते हुए नेता के तौर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत से लेकर अभी तक सड़क पर सदन की लड़ाई लड़ते हुए कई सारे मुकदमे खाए हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी वेस्ट की नगीना लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। आजाद ने अपने नामांकन में चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उनके ऊपर कुल 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मीडिया के अनुसार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमे सहारनपुर में दर्ज है। सहारनपुर में उनके खिलाफ 26 मामले दर्ज है। इसके अलावा दिल्ली में 4, गाजियाबाद में 2, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़, नगीना सहित कुल अन्य मामलों में 6 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज बताए जा रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कुल मिलाकर 38 मुकदमे दर्ज होने की खबर है। वो आपको बता दें उन्होंने अपने नामांकन पत्र के दौरान जो एक तरीके से चुनाव आयोग को दी।